नमस्कार साथियों, साथियों बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आपको मैं लगातार KVS के 5 प्लस के जितने भी केसेस हैं उन सभी से संबंधित जानकारियां देता आ रहा हूं और आपको आगे भी मैं देता रहूंगा। तो काफ़ी पॉजिटिव खबर्स आ रही हैं और आज अशोक अग्रवाल जी की जो हियरिंग है वो भी लगी है और उसके साथ साथ दो केसेस और भी लगे हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगाए गए हैं। उन सभी की डिटेल्स मैं आपको दूंगा। साथ ही एक बड़ी अपडेट है आपके लिए कि तेलंगाना हाई कोर्ट में भी एक जो केस है वो फाइल किया गया है। उस केस की फाइल की डिटेल आपको मैं दूंगा। तो साथियों, ये चैनल टेकी सर जी चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको सभी केसेस की अपडेट दे रहा है और वो इनिशियल के बाद में, और जो दूसरे जितने भी चैनल है वो इसके बाद में आपको डिटेल दे रहे हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर वो बाद में इसको सर्कुलेट करते हैं, इसलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उन सभी को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लें। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि KVS की जो एज है वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल प्लस कर दी है और उसके लिए काफ़ी जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। काफ़ी केसेस की डिटेल मैंने आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो केस की फाइलिंग डिटेल है ये अभी लगी है 4/3/2022 को, और ये रजिस्ट्रेशन जो हुआ इसका 7/3/2022 को हुआ है, 7 मार्च 2020। अभी पेंडिंग स्टेटस में जो स्टेटस है वो पेंडिंग आ रहा है। तो शगुन चौरसिया पिटिशनर का नाम है, शगुन चौरसिया, और रिस्पोंडेंट है द यूनियन ऑफ इंडिया। ये KVS के नाम से नहीं किया गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से किया गया है और एडवोकेट हैं आप देख सकते हैं, ये सारे एडवोकेट और रिस्पोंडेंट एडवोकेट नेम है, यहाँ पर पूरी डिटेल है। तो मेन जो नंबर है आपका, आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसका केस डिटेल है, ये पूरी की पूरी केस डिटेल मैं आपको आपके सामने दे रहा हूँ कि क्या केस है और क्या नहीं है, ये आप देख लीजिए, पूरी की पूरी डिटेल है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेयर भी की गई है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी प्रेयर आप देखिए, बहुत ही अच्छी प्रेयर लिखी गई है। और प्लीज टू इश्यू एन ऑर्डर और डायरेक्शन मोर पर्टिकुलरली वन इन द नेचर ऑफ रिट ऑफ मैंडिनेस ऑफ एनी अदर appropriate writ to issue writ of mandamus of or an appropriate writ order on direction through declaring the imposed admission criteria। देखिए ये क्राइटेरिया के लिए है, और के नंबर केंद्रीय विद्यालय संगठन टू एक्सटेंड इन लेस डाउन मिनिमम एज ऑफ 6, तो 6 साल की एज को और बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी है और अनरीजनेबल है, वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, और ये पिटिशनर की गारंटीड अंदर आर्टिकल 14, 21 और 21A भारत के संविधान के तहत इसका कर रहा है, ये हनन कर रहा है। और तेलंगाना एजुकेशन एक्ट 1982 और राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये सारे के सारे इनके अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी आप सभी के लिए है कि आपकी आवाज़ काफ़ी उठ रही है, लेकिन आप भी यहाँ पे रुके ना, आप सोशल मीडिया पे इन कंसर्न को उठाएं, आप हमारे चैनल को ट्वीट्स को शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और हमारे जो इंस्टाग्राम उसको ज्वाइन करें, लाइक करें, फॉलो करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये पूरा का पूरा इशू दिया गया है और इन्होंने लोग के बारे में काफ़ी डिटेल दी गई है कि ये डायरेक्शन दे नंबर 3 केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि ये उसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई करें और उसको ये पास करें, तो ताकि वो जो उनका क्लाइंट है वो यहाँ पर आराम से फॉर्म भर पाए। तो ये शगुन चौरसिया के नाम से है, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ नेचुरल फादर कृष्ण कुमार, और ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एज्ड 5 साल 9 महीने 20 दिन की एज है इनकी। तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है, काफ़ी बच्चों के साथ साथ ये दिए गए हैं, इन्होंने दिया है प्रत्यूष कुमार, कशिश राज, अरुण कुमार रोहा, ये काफ़ी बच्चों की एक साथ यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी बड़ी ये अहम खबर आपके सामने मैं पहली बार लेके आ रहा हूँ और
कहीं पर भी ये आपको चैनल पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। साथियों, ये इतने बच्चों ने ये प्रेयर की है और 8 बच्चों की ये प्रेयर है और यूनियन ऑफ इंडिया के तहत है, स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए है, केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय ये प्रिंसिपल को भी यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। जी हाँ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करे और पूरी डिटेल आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर आर्टिकल 14A की दुआई दी जा रही है कि उसके तहत इनको बच्चे को करे, और अभी ये पेंडिंग है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये जो भी एडवोकेट साहब हैं इनसे बातें होती रहती हैं और ये पूरी डिटेल्स यहाँ से इश्यू होती आ रही है। आपको आप देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने है। ये जो केस है वो जरूर सक्सेस मिलेगा। आप सभी की दुआएं साथ में चाहिए। आप किस रीजन से हैं और कहां पर आप वर्किंग है, ये सारी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि देश के कोने कोने से यहां पर ट्वीट्स आ रहे हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो हजारों बच्चे फॉलो कर रहे हैं, अपने नई आईडी बना बना कर इंस्टाग्राम को टेकिसजी चैनल को वो फॉलो कर रहे हैं और मतलब एक मुहिम चला रहे हैं, ताकि कोर्ट के साथ साथ दूसरा प्रेशर भी आए, ताकि गवर्नमेंट जो है इसके फेवर में कोई एफिडेविट दे या इसमें कोई जो नीति बनाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात जो बताई जा रही है उसको वो थोड़ा सा चेंज करे और इसमें कुछ बदलाव करे। तो जो लिस्ट डेट है अभी 9 तारीख की है, अभी इसकी मोशन लिस्ट है और अभी इसकी जो डिटेल्स है मैं आपको जैसे ही कोई आएगी वो मैं बताऊंगा। और ये प्रेयर देखिए आप इसकी, प्लीज टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 3 केंद्रीय विद्यालय संगठन, उनको डायरेक्ट कहा गया कि इसको फर्स्ट क्लास में एकेडमिक में यहाँ पर एडमिशन कराइए 2022-23 में। तो ये आईए प्रेयर की गई है, इस आईए प्रेयर में बच्चों का क्या होता है ये जल्द ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथियों आज हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में है इसकी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट की डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा, शाम तक बता पाऊंगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो जरूर देखा करें और जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सभी को आप एक साथ ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जैसे ही कोई मूवमेंट आए और आपका अगर कोई केस वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन आपकी आए तो जाहिर सी बात है कि या तो कोई जर्नल ऑर्डर आएगा इसमें या इन बच्चों को ही स्पेशल यहाँ पे छूट मिलेगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी भी इसको कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 21 मार्च बड़ी जल्दी आ रही है, लेकिन आप बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पूरी केस की डिटेल मैंने आपको दी है साथियों, और ये रिट पिटीशन काफी अहम है और इस तरह की और भी रिट पिटीशन अगर आपको पता चले तो आप techisaji@gmail.com पर भेजना ना भूलें। आपका इंतजार कर रहे हैं हम चैनल पर और आप जल्द से जल्द इस केस से संबंधित डिटेल्स हमारे पास शेयर जरूर करें। आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू।